नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदी ने कैदी की ईंट मारकर हत्या कर दी। बैरक नंबर 102 में इस हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक कैदी के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। जेल प्रशासन वाले जिम्मेवार थे, एक प्रकार से मैंने जीदा जागदा बच्चा दिता, उन्होंने जीदा जागदा बच्चा उन्होंने लगा। अभी हर 15 दिन बाद मैं मिलन जाना, कोई नहीं, हर हफ्ते मैं एक हफ्ता छट के मुलाकात जाता रहा। कोई वाला मेरे हाउस का खेल का फिर कोई भी बिना बन गई थी, लंगर की जगह मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छे 5 साल 14 साल चार 5 साल वाला जवान छुट्टी मंजूर हुई हुई है। छुट्टी मंजूर हो गए उसके बाद हाई कोर्ट केस भी लगे है। रखूंगा, मैं इतने बैठूंगा रात दिन, इतने रहूंगा। अगर धरना देवे और जब तक मेरा जेल प्रशासन चाहे जो बड़े बड़े अफसर वर्दियां पाई बैठे है, तनखावा एडी एडिया देंगे, की उन्होंने ड्यूटी है? उसे किसी कोई बंद मुलाकात कर जाता वो तलाशिया लाए, ये कर बोल है, 100 200 ही चलो उन्होंने। एक बच्चा फालतू चला जाए वो पैसे लेंगे अंदर मारे, उसका कहते करप्शन खत्म करो और करप्शन उस जीने जागते करी जाते हैं। असं धरना लगावे असं जब तक बॉडी नहीं चकते, जब तक सा प्रशासन सजा नहीं हो सकता। सब पता लगना चाहिए भी हाँ किस सारे उन्होंने सस्पेंड किया जाए नौकरियां। अब इस मामले की जांच एडिशनल डीसीपी कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये हमारे पास दो लाइफ कॉर्मेट है, एक अरुण है और दूसरा संजीव है। ये एक ही बैरक में बंद थे, वहाँ पर 110 लोग हैं। ये इसका जो संजीव है, जिसका ये अरुण ने मर्डर किया है, ये इसका भतीजा भी हमारे पास है, जिसका कारण उसका होम फीस दे रही है। तो इसने जो अरुण कुमार जो ये पाठ करके बता रहे हैं सारे लोगों पर, पाठ करके बाहर बाहर गया और बाहर से ईंट ले आके इसने संजीव कुमार जो कैदी है लाइफ कॉन्वेंट है उसके सिर में 3-4 जो उसके ऊपर ईंट से वार कर दिया। एक ही देखो, ये सवेरे 7 बजे जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट वहाँ पर लॉकआउट करके गए, तो लॉकआउट होने से 15-20 मिनट पर बाद 20 मिनट बाद के बिच इन्होंने पता लग्या, ना दिया इनफॉर्मेशन असी मेडिकल ऑफिसर ने बुलाया, तो उन्होंने एडवाइस अनुसार असी साथ में उसको लेके मेडिकल ऑफिसर के पास आते कर देना। ईंट तो जो है वहाँ पर जो है बैग के बाहर ही पड़ी रहती, कोई ना कोई लूज ईंट होनी, उसको पहले उसने धोया, धो के जैसे लोग बता रहे उसके ऊपर वो करे उसने। बैरक वाले नंबरदार हैं, उन्होंने बहुत बचाने को, एक बंदा तो अनकॉन्शियस हो गया अंदर, और गुरमेल सिंह नाम का एक और भी अनकॉन्शियस है अंदर अभी पड़ा है, वो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो वो देखते देखते वो घबरा गया। तो हम 303 के तहत हम पर्चा दर्ज करते हैं। इस हत्या में कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। पुलिस ने भी 303 का मामला दर्ज कर लिया है। यह थी लुधियाना से संजय सैनी की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।